इस वक्त हम लोग मौजूद हैं इंडिया गेट पर, जहां पर हाल ही में ही पहलवानों ने कहा था कि यहां पर आमरण अनशन करेंगे। आप देख सकते हैं पीछे किस तरीके से पुलिस ने बैरिकेड लगा रखे हैं, यहां पे जगह जगह पे पुलिस तैनात है। यहां पे 3 वैन भी है, आप देख सकते हैं यहां पे वैन 3 लगा रखी है, एक बस लगा रखा है, जहाँ पर लोगों को जब डिटेन किया जाएगा उस बस में उन्हें डाल दिया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ पहलवानों का भी कहना ये था कि हम हरिद्वार में जाकर मेडल समर्पित कर देंगे। वहीं जो यूनियन के जो हेड हैं टिकैत, उन्होंने उनके पास जाकर बात की, उन्होंने बात की कि सरकार को 5 दिन का समय दिया जाएगा, अगर सरकार ने कुछ एक्शंस नहीं लिया, ब्रिजभूषण को गिरफ्तार नहीं किया तो उन पर वो फिर मेडल हरिद्वार में समर्पित कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो विश्व कुश्ती संघ है, उन्होंने भी भारत कुश्ती संघ को साफ तौर पर कहा है कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराए, अगर चुनाव नहीं होते हैं तो भारत कुश्ती संघ को रद्द कर दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि क्या पहलवान यहाँ आ पाएंगे, क्या कुछ रहेगा। आपकी जो राय है वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाया करिए। ऐसी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसाथी पर। दिल्ली से आशीष की रिपोर्ट।